नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंदर हम जिला न्यायालय चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2017 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ देंगे। यदि आप इस भर्ती में रुचि रखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों। जिला न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गण के चयन की निर्विवाद पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल साक्षात्कार के स्थान पर 10वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन की गई प्रक्रिया 2017 को बनाए गए नए नियमों के तहत निर्धारित की गई थी। कुल 2309 रिक्त पदों के लिए 8 फरवरी 2018 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त हुए आवेदन अभ्यर्थियों की 10वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार करने के लिए समस्त अंक तालिका का सूक्ष्म प्रेक्षण किया गया। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंडलों से उत्तर अंक तालिका जारी करने से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई। गंभीर विसंगतियां निराकरण स्पष्टीकरण हेतु शिक्षा मंडलों के उच्च पदाधिकारियों से व्यक्तिगत विचार विमर्श भी किया गया। विस्तृत जांच व प्रशिक्षण के पश्चात पाया गया कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सहित कई शिक्षा मंडलों द्वारा पूर्व प्राप्तांकों के आधार पर तालिका जारी की जा रही है। कुछ वर्षों में प्राप्तांकों के स्थान पर ग्रेड व CGPA अंकित किए जा रहे थे, जिसके कारण प्राप्तांकों को सटीक आकलन संभव नहीं है। यहाँ तक कि एक ही बोर्ड द्वारा किसी एक विषय को प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत निर्धारण कभी तो मूल्यांकन में शामिल किया गया था, कभी अलग कर दिया गया था। इस प्रकार दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंकों के बावजूद विभिन्न शिक्षा मंडलों द्वारा उन्हें अलग अलग ग्रेडिंग CGPA प्रदान की गई। कुछ मामले में एक ही बोर्ड द्वारा समान प्राप्तांकों के आधार पर भिन्न छात्रों को अलग अलग ग्रेडिंग CGPA प्रदान किया जाना गया था। तुलनात्मक परीक्षण पर यह भी सामने आया कि कई बोर्ड उदारतापूर्वक 90% से अधिक भी अंक प्रदान करते हैं, जबकि कुछ बोर्ड का मूल्यांकन कठोर पाया गया। इस प्रकार के अनेक विसंगतियों के कारण प्रयास करने के बावजूद भी प्राप्तांकों के आधार पर SST को विवाद रहित चयन सूची तैयार किया जाना संभव नहीं हो पाया, जिससे सभी अभ्यर्थियों तुलनात्मक मेरिट का सही निर्धारण किया जा सके। राज्य सरकार ने भी इस श्रेणी कर्मचारी गण को चयन हेतु 10वीं पास के अभ्यर्थियों प्रतियोगी परीक्षा किए जाना प्रस्तावित किया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, असम, त्रिपुरा, दिल्ली आदि राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति 8वीं और 10वीं पास अभ्यर्थियों लिखित परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर की जाती है। समग्र परिस्थितियों पर विचार विमर्श के उपरांत राजस्थान राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमों की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने हेतु तदनुसार समुचित संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वर्तमान चयन प्रक्रिया पर नियुक्त कर उसे स्थान पर नए सिरे से निर्विवाद व पारदर्शी चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु नियमों का उचित संशोधन करने निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन खेद व्यक्त करता है। वर्तमान में चयन प्रक्रिया के सभी आवेदकों को नवीन प्रस्तावित चयन प्रक्रिया में शामिल होने का विकल्प रहेगा। वांछित आवेदन करने पर उन्हें आयु सीमा भी छूट मिलेगी, उनकी कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। भावी चयन प्रक्रिया में भाग लेने नहीं लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों समुचित ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा शुल्क राशि लौटाई जाएगी। इस संबंध में समय समय पर आवश्यक सूचना एवं निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। रजिस्ट्रार परीक्षा, ये थी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल न्यूज़ इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है आपको। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जिला न्यायालय चतुर्थ श्रेणी भर्ती रिलेटेड और भी कोई भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होगी, कोई भी नोटिफिकेशन होगा, सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।